नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। साल 2023 में अमरनाथ यात्रा का शुभ आरंभ 1 जुलाई दिन शनिवार से हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं, जो इस दिन और भी विशेष बना रहे हैं। आगे हम आपको बता दें कि इस साल अमरनाथ यात्रा 62 दिनों की है। श्रावण पूर्णिमा के दिन इसका समापन होगा। अमरनाथ यात्रा के लिए शिव भक्त पूरे वर्ष इंतजार करते हैं ताकि उनको पवित्र अमरनाथ गुफा के बाबा बर्फीनी के दर्शन हो। अमरनाथ की यात्रा बेहद कठिन होती है, इसके लिए कई मौसम संबंधी चुनौतियों को पार करना होता है। कभी ठंड तो कभी बारिश का मौसम हर कदम पर शिव भक्तों की परीक्षा लेता है। आगे हम आपको बता दें, तिरुपति के ज्योतिषी आचार्य डॉक्टर कृष्ण कुमार भागर्व से जानते हैं कि अमरनाथ यात्रा का शुभ आरंभ कौन से शुभ संयोग पर बन रहा है। इस साल अमरनाथ यात्रा का शुभ आरंभ 1 जुलाई को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि से हो रहा है। इस दिन त्रयोदशी तिथि रात 11:07 तक है। यह शिव आराधना का दिन है। इस दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है। आगे हम आपको बता दें कि कब से और कब तक अमरनाथ यात्रा होगी। तो अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई साल 2023 से प्रारंभ होकर 31 अगस्त साल 2023 तक चलेगी। श्रावण पूर्णिमा को अमरनाथ यात्रा का अंतिम दिन होगा। इस दिन पूजा के बाद यात्रा का समापन हो जाएगा। आगे हम आपको बता दें कि पंचांग के आधार पर देखा जाए तो इस साल अमरनाथ यात्रा के शुभ आरंभ पर यानी पहले दिन 4 शुभ संयोग बन रहे हैं। पहला शुभ संयोग है शनि प्रदोष व्रत। इस दिन शनि प्रदोष का व्रत रखकर शाम में शिव पूजा करते हैं, जिससे संतान सुख प्राप्त होता है। अमरनाथ यात्रा के प्रारंभ वाले दिन दूसरा शुभ संयोग है शिवांश का। 1 जुलाई को प्रातः काल से ही शिवांश है। भगवान शिव का वास नदी पर रात 11:07 तक है। शिवांश रुद्राभिषेक के लिए जरूरी होता है। आगे हम आपको बता दें कि इस दिन तीसरा शुभ संयोग रवि योग है। 1 जुलाई को रवि योग दोपहर 3:04 से प्रारंभ हो रहा है। अगले दिन सुबह 5:27 तक रहेगा। चौथा संयोग है शुभ योग तथा अनुराधा नक्षत्र। अमरनाथ यात्रा के पहले दिन प्रातः काल से शुभ योग बन रहा है और अनुराधा नक्षत्र है। योग रात 10:44 तक है और उसके बाद से शुक्ल योग है। वहीं अनुराधा नक्षत्र दोपहर 3:04 तक है। उसके बाद से जेठ नक्षत्र प्रारंभ है। आगे हम आपको बता दें, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने पवित्र अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमरनाथ की कथा सुनाई थी। आपको बता दें कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव ने अमरनाथ गुफा में माता पार्वती को अमरत्व की कथा सुनाई थी, लेकिन वो बीच में सो गई थी। इस पवित्र अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ का शिवलिंग बनता है और उसकी पूजा की जाती है। बाबा अमरनाथ की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती है और कष्ट दूर होते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही खबरों के लिए आप देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।